बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मिचौंग के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और पौंडीचेरी में बारिश का कहर जारी है। अभी तक तूफान से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। बारिश के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल भी रही हैं और ये बढ़ भी सकती हैं, जिससे कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट के बीच तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लू, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। चक्रवात मिचौंग को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। NDRF की 21 टीमों को तैनात किया गया है। और बता दें कि मिचौंग के कल तक नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के प्रमुख ने NDTV को बताया कि सोमवार आधी रात के बाद चेन्नई में बारिश से कुछ राहत मिल सकती है।